अब हम बात करेंगे बैक पेन के कारणों के बारे में कि क्यों होता है बैक पेन, ऐसा क्या करते हैं हम कि बैक पेन अचानक से चालू हो जाता है, और कैसे जीवन में क्या बदलाव किए जाए कि बैक पेन हमारा ठीक हो जाए। तो इसमें सबसे पहले फिटनेस का अभाव होना, एक्सरसाइज ना करना, ये बैक पेन एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे ही आदमी 30 की उम्र को क्रॉस करता है तो हमारे जो लिगामेंट्स हैं, मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, तो उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं। और जो लोग एक्टिव नहीं रहते, जिनके जॉब में सिटिंग लंबा रहती है, या फिर एक ही तरह के पोजीशन में करने वाला जॉब है, झुक के करने वाला जॉब है, ऐसे लोगों को जो ये डिजेनरेटिव चेंजेस रहते हैं वो जल्दी आते हैं। और ऐसे में दिनचर्या में कोई भी एक्सरसाइज का फॉर्म ना होना इस बैक पेन की समस्या को बहुत ही जल्दी हमारे लाइफ में ले आता है। और बैक पेन में दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो वेट का है। जिनका वेट बहुत ज्यादा रहता है तो उनके कमर के ज्वाइंट्स और मांसपेशियों पे जो जोर पड़ता है वो भी ज्यादा पड़ता है, तो इसके लिए उनको बैक पेन की समस्या ज्यादा होती है। इसके अलावा स्मोकर्स रहते हैं, उनकी जो डिस्क रहती है वो बड़ी जल्दी खराब हो जाती है, तो इसके लिए उनको भी बैक पेन की समस्या काफी ज्यादा रहती है। तो इसमें से दर्द कैसे उत्पन्न होता है? जब इन हड्डियों की, लिगामेंट्स की, मसल्स की, या फिर ये डिस्क है जो दो हड्डियों के बीच की जो गादी बोलते हैं अपन, जो डिस्क है, तो इनकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो डिजेनरेटिव प्रोसेस से हो, एज से रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं हमारे शरीर में उसकी वजह से है, कि वो इन्फेक्शन की वजह से है, कि वो इंजरी की वजह से, आपको चोट लग गई है, आपका एक्सीडेंट हो गया है उसकी वजह से है, या फिर वो बैड पोस्चर की वजह से जो क्रॉनिक इंजरी हो रही है उनकी वजह से ये कमर दर्द उत्पन्न होता है।